हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज ऑयल मिक्सिंग का वीडियो बना रही हूँ सर्दियों के लिए, इन विंटर के लिए। और ये काफ़ी इजी रहेगा, जो लोग बना नहीं पाते हैं अलग अलग टाइप के ऑयल अपने हेयर्स के लिए, तो इन ऑयल के मिक्स को बना के भी वो अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बालों को थिक कर सकते हैं, डैंड्रफ हटा सकते हैं और बालों की कोई भी प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना होगा कैस्टर ऑयल। ये देखिए कैस्टर ऑयल है ये, और जो कैस्टर ऑयल होता है दोस्तों, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये स्कैल्प इन्फेक्शन को और जो डैंड्रफ होती है उन दोनों को ही दूर करता है, और रूसी की वजह से जो खुजली होने लग जाती है हमारे स्कैल्प में उसको भी दूर करता है ये काफ़ी अच्छा होता है, हमारे हेयर को भी ग्रोथ, हमारी हेयर ग्रोथ करता है, तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसे लिया है 2 चम्मच के आसपास। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सेसमे ऑयल, तिल का तेल। ये देखिए, जो तिल का तेल, अगर आपके बालों में चमक नहीं है, बेजान है एकदम, और बाल झड़ रहे हैं और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये तेल काफ़ी अच्छा है। ये डैंड्रफ को भी दूर करेगा, ग्रोथ, हेयर ग्रोथ भी करेगा, बालों का झड़ना भी कम करेगा। तो मैं ये 3 चम्मच के आसपास डालूँगी। कैस्टर ऑयल मैंने 2 चम्मच के आसपास लिया है। मैं ऐसे अंदाज़ से डाल दे रही हूँ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट हो, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लूँगी ऑलिव ऑयल। ये देखिए ऑलिव ऑयल लूँगी मैं, और जो ऑलिव ऑयल होता है हमारे बालों को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है, और बाल को झड़ने की समस्या जो होती है वो दूर करता है। तो ऑलिव ऑयल भी सर्दियों के काफ़ी अच्छा होता है, तो ये मैं डाल दे रही हूँ 3 चम्मच के आसपास। और अब इसके बाद हम लास्ट ऑयल लेंगे, वो है सरसों का तेल, सरसों का मस्टर्ड ऑयल। और फ्रेंड्स, जो मस्टर्ड ऑयल होता है इसमें फैटी एसिड होता है जो हमारे बालों को नमी देता है, और रूखापन जो होता है, जो ड्राइनेस होती है हमारे हेयर की, उसको दूर करता है। तो इसलिए हमें सरसों का तेल ज़रूर लेना है, और इससे बाल बढ़ते भी हैं, और जिनके बाल पतले हैं उनके बाल घने होंगे, धीरे धीरे होंगे, और जो हमारी स्कैल्प होती है उनको ये धूल मिट्टी प्रदूषण से बचाता है। तो आप ये ज़रूर यूज़ करेंगे। मैं ये भी 3 चम्मच के आसपास ले रही हूँ। मैंने डायरेक्ट बॉटल में ही ऐड कर लिया है, क्योंकि कटोरी में डालने के बाद भी हमें बॉटल में डालना ही है, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ही बॉटल में ले लें। और ये देखिए, और अब आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, वरना ये तेल ऐसे ही सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर है तो। और मेरे पास है बट मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, कि फिर जिन लोगों के पास नहीं है एसेंशियल ऑयल तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसके बिना आप ये वर्क नहीं करेगा, ये ऐसे भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। मैं इसे ऐसे ही यूज़ करूँगी, और इसको मैं अपने बेटी के ऊपर भी यूज़ करूँगी, उसके बालों में भी लगाऊँगी। और ये सर्दियों का तेल बनके तैयार है। 2 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स इसको बनाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।